जबलपुर के नए पुलिस अधीक्षक तुषार कुमार विद्यार्थी ने पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जबलपुर पुलिस आस्था अभियान के तहत 60 साल के ऐसे सीनियर सिटीजन जिनके बच्चे किसी व्यवसाय या नौकरी में देश विदेश में रहते हैं, उन सीनियर सिटीजन के लिए पुलिस कुछ खास करने जा रही है। पुलिस ऐसे सीनियर सिटीजन के जन्मदिन और अन्य दिवस पर उनके घर जाकर शुभकामनाएं देगी और उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस अधिकारी उन सीनियर सिटीजन के लिए ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध कराकर सुरक्षा और संबल प्रदान करने का कार्य करेंगे। तुषार सिंह ने आगे कहा कि भूमाफिया, शराब माफिया और नशे का अवैध कारोबार करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जबलपुर के यातायात को सुधारने का भरसक प्रयास किया जाएगा। हमारे सभी ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और जिनके बच्चे उनके साथ में नहीं रहते, वो किसी व्यवसाय के कारण, नौकरी के कारण जिले से बाहर हैं या देश से बाहर हैं, तो ऐसे सभी लोगों को हम लोग चिन्हित करके हमारा एक पूरा ग्रुप बनेगा और उसमें हम अपने सारे सीनियर सिटीजन्स को उनके जन्मदिन पर, उनकी एनिवर्सरी पर विश करने हमारे अधिकारी, मैं स्वयं जाएंगे भी, उनके मेडिकल चेकअप को भी सुनिश्चित कराएंगे, ट्रांसपोर्टेशन को भी आवश्यकता अनुसार देखेंगे और निश्चित रूप से एक सुरक्षा और संबल का भाव उनके साथ जुड़ेगा। निश्चित रूप से जो आपने माफियाओं की बात की है, चाहे वो नशे की माफिया हो, भू माफिया हो, अवैध शराब में लोग संलग्न हो, उनको खत्म करने के लिए हमारी पूरी टीम लगातार काम करेगी। उनके खिलाफ स्ट्रांग प्रिवेंटिव एक्शंस भी होंगे और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की जो आप लोग बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफेंस भी हमारी पहली प्राथमिकता में होगा। हम डिटेक्शन भी करेंगे जो केसेस पेंडिंग हैं और कोशिश भी करेंगे कि ऐसे लोगों पर लगातार हम निगाह रखें और प्रिवेंशन के सारे मेजर्स अपनाए जाएंगे। जेल से छूटने वाले जो भी प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हैं, उनकी गतिविधियों पर पुलिस निगाह रखेगी कि वो क्या कर रहे हैं, उनके क्रियाकलाप कैसे हैं, ताकि यदि वो पूर्व से इस तरह की एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं तो वो चिन्हित करके उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वाहन दुर्घटनाएं इस समय हो रही हैं जबलपुर में, जहां एक और लगातार विकास भी हुआ है, स्वरूप भी चेंज हुआ है, उसी तुलना में वाहन दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ गई है। तो हमारे टोटल 27 ब्लैक स्पॉट्स हैं, उनको रेक्टिफिकेशन का काम करेंगे। कैसे उन पर वाहन दुर्घटनाओं को ट्रैफिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से, हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने का पूरा प्रयास रहेगा। अभी 2 बजे हम लोगों ने सभी रोड के डिपार्टमेंट से एक मीटिंग भी कर रहे हैं, उसमें ब्लैक स्पॉट्स के बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे और उपाय भी सुझाएंगे कैसे इसको हम कम कर सकते हैं। हाँ, ट्रैफिक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे फोर्स को ब्रीफ किया है कि बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी को अंजाम दें और यातायात को भी निर्देशित किया है कि सही ढंग से पार्किंग हो ताकि वहाँ पर कहीं भी जाम की स्थिति नहीं बनती। उसमें बेसिकली एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे, जिसमें महिला अधिकारी रहेंगी और सारे ऐसे सेंसिटिव प्लेसेस हैं, कोचिंग क्लासेस जहाँ होती हैं, जहाँ हमारी बच्चे स्कूल कॉलेजों में जाती हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट उद्यान वगैरह हैं, वहाँ पर लगातार हम लोग सतत निगरानी करेंगे और ऐसे लोगों को पकड़ के उनके खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।